तो इस वक्त की बड़ी खबर, G20 सम्मेलन के दौरान पहला सत्र इस वक्त चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सत्र को संबोधित किया। पहले सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन अब से कुछ देर पहले हुआ। दुनिया की समस्या से निपटने में यूएन असफल रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बोला। उन्होंने यहां साफ कहा कि हम यूएन में पर्याप्त सुधार नहीं कर सके हैं, हम यूएन में बेहतर सुधार करने में विफल रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि G20 से दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं। तो पहला सत्र G20 समिट का इस वक्त चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पहले सत्र में एक संबोधन हो चुका है और इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपूर्ति तबाह हुई है, यूक्रेन युद्ध के बाद कई प्रतिबंध लगे और ऊर्जा आपूर्ति पर प्रतिबंध ना हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर संबोधन के दौरान कहा। तो रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध से जो दुनिया भर के देशों को नुकसान हुआ है उसका जिक्र किया। जिस तरीके से आपूर्ति बाधित हुई है, ग्लोबल आपूर्ति पर असर पड़ा है, उसकी बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल आपूर्ति पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ बाली से लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ रोबिंदर भी जुड़े हैं। सबसे पहले रोबिंदर आपका रुख करेंगे, ये जो संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, दो अहम बातें, यूएन की भूमिका पर उन्होंने यहां पर सवाल एक तरह से उठाए, उन्होंने कहा कि यूएन की भूमिका जो रही है वो नाकाफी रही है और साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध का भी उन्होंने जिक्र किया। तफसील से बताएं दोनों पॉइंट्स के बारे में। देखिए, जो आज समिट बाली में शुरू हुई है, इसकी शुरुआत में ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मुलाकात जो बाइडेन के साथ होती है, फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ होती है, उससे एक नक्शा तय तो हो ही रहा था कि प्रधानमंत्री जो आने वाले समय में अगले साल जो 18वीं समिट होने शुरू होने जा रही है उसकी चेयर भारत को मिलने वाली है। तो भारत को एक लीडरशिप, एक सभी को साथ लेके चलने की वो क्षमता दिखानी भी है और उसी में ही भारत ने जिस तरीके से यूएन में अब जितने प्रस्ताव आए इस जंग को रोकने के लिए भी और दुनिया में मसलों को रोकने के लिए भी उस जी रविंदर से हमारा संपर्क इस वक्त थोड़ा टूटा है शायद। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है और जैसा कि यहां पर रविंदर भी बता रहे थे, दो अहम बातें, यूएन की भूमिका और रूस यूक्रेन युद्ध से हो रहे नुकसान की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की। बिल्कुल अदिति, देखिए प्रधानमंत्री ने G20 के मंच से कई बड़ी बातें की हैं। जो प्रधानमंत्री का संबोधन आप देखिए तो सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही है कि जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, किस तरह से फेल रहा है, चाहे यूक्रेन युद्ध को रोकने में हो या फिर दुनिया के समक्ष जो दूसरी समस्याएँ खड़ी हैं, खाद्यान्न की समस्या खड़ी है और यूएन पूरी तरह से फेल रहा है, उसमें पर्याप्त सुधार नहीं कर पाए हैं। ये बड़ी बात कही है क्योंकि भारत लगातार ये मांग करता रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए। भारत जैसे इतनी बड़ी आबादी वाला देश आज तक काउंसिल का मेंबर नहीं है, तो भारत ने यूएन में पर्याप्त सुधार नहीं होने की बात भी तमाम दुनिया के सामने कही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि यूरोप अमेरिका समेत उन देशों को आईना दिखाया है, बिना नाम लिए उन देशों को आईना दिखाया है, जो बात करते हैं दो तरफा बात करते हैं। खुद तो यूरोप गैस ले रहा है रूस से और भारत और दूसरे देशों को कह रहा है कि आप रूस से तेल और गैस मत खरीदिए। तो इस तरह की दो तरफा बात करने को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री ने
जो है यूरोप और अमेरिका को बिना नाम लिए आईना दिखाया है, और साथ में ये भी कहा है कि ऊर्जा क्राइसिस किस तरह से है और प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए, इस तरह की स्थिति में प्रतिबंध आगे नहीं बढ़ने चाहिए, इस बात का भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जिक्र किया है। एक और महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि किस तरह से गरीब देश कितनी मुश्किल से जूझ रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है, खाद्यान्न का कितना बड़ा संकट है, लिहाजा खाद और खाद्यान्न के लिए सुरक्षित एक सुरक्षित रास्ता बनाना चाहिए ताकि इस तरह की क्राइसिस दुनिया में ना हो। तो प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में उन तमाम चीजों का जिक्र किया है और कहे कि खरी खोटी सुनाई है उन देशों को भी जो दोहरापन अपने रुख में रखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। इस मंच से प्रधानमंत्री ने वही बातें कही हैं बिना नाम लिए, और साफ तौर पर कहा है कि यूएन में जो पर्याप्त सुधार होने चाहिए वो हम नहीं कर सके, उसमें फेल रहे हैं, और पूरी दुनिया को G20 के मंच से बड़ी उम्मीदें हैं। तो अब देखिए G20 के बैठक में नेता और क्या क्या कहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने सीधे और साफ शब्दों में पूरी दुनिया को बता दिया कि यूएन में किस तरह सुधार होना चाहिए और किस तरह से हम इस जो ग्लोबल क्राइसिस है, जो संकट है, यूक्रेन का संकट है, खाद्य संकट है, उससे किस तरह से निपट सकते हैं, किस तरह से रास्ता बना सकते हैं। जी, जी, ब्रह्म बने रहिए हमारे साथ, रविंदर दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, भारत अब G20 की अध्यक्षता करने वाला है, इंडोनेशिया के बाद भारत अब G20 की अध्यक्षता करेगा, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो आज का संबोधन है बहुत ही साफगोई से, बहुत ही उन्होंने स्पष्ट भाषा में तमाम मुद्दों को यहां पर संबोधित किया है, इसके बाद भारत की अध्यक्षता होगी G20 को लेकर, किस तरीके से दोनों फैक्टर्स को जोड़कर देखते हैं आप? देखिए, जब इस वक्त तो भारत इसमें एक पार्टिसिपेंट के लिए आया है, लेकिन जब भारत में यह समिट शुरू होगा तो भारत एक नेता के तौर पर 20 G20 के नेताओं के तौर पर सामने आएगा, और ये एक फर्ज के तौर पर होता भी है, जब आप किसी बैठक को चेयर करते हो तो सभी को साथ लेके चलना होता है। G20 सत्रहवीं बैठक जो इस वक्त चल रही है, इसका मोटो भी वहां लिखा है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, लेकिन रिकवर टुगेदर में यहाँ पे पुतिन नहीं है। तो भारत के लिए एक चैलेंज भी रहेगा कि आने वाले जो G20 समिट भारत में होने वाली है, तो भारत किस तरह सभी देशों के नेताओं को अपने यहाँ पे बुलाकर और एक टुगेदरनेस, एक इकट्ठे एक एकजुटता का प्रमाण देगा और उसको दिखाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज के अब जो तकरीर में भी उन्हीं मुद्दों को उठाया जिससे सभी लोग जूझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले जो G20 समिट भारत में होने वाला है तो उसमें भारत अपने तौर पर सभी को इकट्ठा लेके चलने का प्रयास जरूर करेगा। रविंदर, हम यहां पर जो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में शामिल होने के लिए जब पहुंचे तो उनका यहां पर शानदार स्वागत तो हुआ ही, साथ ही जो गर्मजोशी हमें देखने को मिली, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से जिस तरीके से वो मिले या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उनकी मुलाकात रही, तो इंडिविजुअल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से बहुत अच्छे संबंध देखने को मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भारत की विदेश नीति है वो बहुत इंडिपेंडेंट रहती है, संबंध भले ही निजी तौर पर बहुत अच्छे हो राष्ट्राध्यक्षों से, लेकिन जो देश हित है वो हमेशा सर्वोपरि सबसे ऊपर रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तमाम मंचों पर। बिल्कुल आपने सही कहा, और आप देखिए कि जिस तरीके से अमेरिका अपनी एक लॉबी क्रिएट कर रहा है रशिया के खिलाफ, और रशिया यूक्रेन जंग में भी जिस तरीके से यूएन में कई प्रस्ताव आए रशिया के खिलाफ, भारत ने अपना रुख साफ रखा है, भारत उसमें उन प्रस्तावों में नहीं है, भारत के अपने बायलैटरल रिलेशंस भी है उसको भी अपने ध्यान में रख रहा है, भारत अपनी जो एक अपनी जो भारत की पॉलिसी है उसने क्लियर कट कन्वे किया है कि वो इस तरह से कैरिड अवे नहीं होगा। तो उसमें आज की जो तस्वीरें भी जो नजर आ रही है उसमें जिस तरीके से जो बाइडन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बैठे और बातचीत हो रही है, और फ्रांस के प्रेसिडेंट पीछे से आके प्राइम मिनिस्टर से खुद आके मिलते हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेजेस शो करती है एक लीडरशिप क्वालिटी की भी भारत की। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।